हेलो दोस्तों, मैं सरबी आप सभी का अपने चैनल दुनिया अब तक में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सबसे महंगी चाय के बारे में, सबसे महंगी आइसक्रीम के बारे में, टाटा मोटर्स जो 4 अगस्त को नई गाड़ी लॉन्च करने वाला है, नोकिया के नए 4G फ़ोन के बारे में और नए सिलेंडर के बारे में जिसका नाम एक्स्ट्रा तेज है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द होंग पाओ टी। आमतौर पर भारत में दुकानों पर चाय 10 से 20 रुपए ग्लास एक कप मिलती है। वहीं अगर हम किसी बड़े होटल में जाए तो हमें वही चाय 100 से लेकर 1000 रुपए तक मिल सकती है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी खास चाय भी हैं जिनके दाम ने तो सोने को भी फेल कर दिया है, जिसमें एक का नाम है द होंग पाओ टी। ये खास चाय सिर्फ चीन में पाई जाती है, जिसको खरीद कर पीना सबके बस की बात नहीं है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 2002 में एक धनी शख्स ने 20 ग्राम द होंग पाओ टी खरीदी, जिसके लिए उसने 1.80 लाख युआन दिए। भारत के हिसाब से देखें तो आज के वक्त में इसकी कीमत 20.43 लाख रुपए होगी। ऐसे में ये चाय सोने से भी ज्यादा महंगी हुई। इस दाम पर अगर हम सोना खरीदे तो हमें 20 ग्राम तक मिल जाएगा। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ओरिजिनल द होंग पाओ टी सोने से 20 गुना तक महंगी होती है। अगर हम 1 ग्राम भी लेंगे तो हमें $1400 चुकाने होंगे, जबकि किलो के हिसाब से लेने पर ये 9 करोड़ से ज्यादा ही पड़ेगी। चीनी लोगों के मुताबिक इस चाय का इतिहास बहुत पुराना है। मिंग शासन के दौरान एक बार महारानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें द होंग पाओ टी पिलाई। इस पर चाय ने कमाल दिखाते हुए महारानी को ठीक कर दिया। अपनी रानी को फिट होता देख राजा भी खुश हुए और उन्होंने द होंग पाओ टी की खेती करने का आदेश दे दिया। अब जानते हैं कि इस चाय का नाम कैसे पड़ा। इसका नाम पहले कुछ दूसरा होता था, लेकिन चीन के राजा हमेशा लंबा चोगा पहना करते थे। ऐसे में जब उन्होंने खेती का आदेश दिया तो उसी के आधार पर चाय की पत्ती का नाम द होंग पाओ टी रख दिया गया। अब जानते हैं कि क्या खास बात है इस चाय की। दरअसल होंग पाओ का पौधा बहुत ही दुर्लभ होता है। इसे हर कहीं पर नहीं उगाया जा सकता क्योंकि इसकी देखभाल में काफी मेहनत लगती है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इसे पीने से शरीर कई गंभीर बीमारियों से आसानी से लड़ सकता है, जिस वजह से इसकी कीमत हमेशा से ही ज्यादा रही है। नंबर 2, अब जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम के बारे में। आइसक्रीम किसे पसंद नहीं होती है, चिलचिलाती गर्मी हो या कड़ाके की ठंड। आइसक्रीम एक ऐसी चीज है जिसे खाना लगभग सभी लोगों को पसंद होता है। पसंदीदा आइसक्रीम खाने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दुबई में एक ऐसी आइसक्रीम तैयार की गई है जिसका नाम आपको जोर से झटका दे सकता है। जी हाँ, दुबई के स्कूपी कैफे में 23 कैरेट की खाने के योग्य सोने की आइसक्रीम परोसी जा रही है, जिसकी कीमत 60,000 रुपए है। आइसक्रीम में 23 कैरेट का खाने योग्य सोने की टॉपिंग है और इसकी कीमत 3,000 दिरहम यानी 60,000 रुपए है। इस आइसक्रीम का नाम ब्लैक डायमंड है। सोना लगा होने की वजह से दुबई की ये आइसक्रीम पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। यह एक वेनिला फ्लेवर वाली क्रीम है जिसमें 23 कैरेट खाने योग्य सोने की टॉपिंग की जाती है और जिसके बाद केसर और काले ट्रफल की एक टॉपिंग होती है। ये कैफे 23 कैरेट सोने की आइसक्रीम के अलावा अलग अलग तरह की चॉकलेट आइसक्रीम और 23 कैरेट सोने की पत्ती वाली कॉफी भी परोसता है। नंबर 3, अब जानते हैं नई कार के बारे में जो टाटा भारत में 4 अगस्त को लॉन्च करेगा और जिसकी कीमत सिर्फ 4 लाख हो सकती है। देश के दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स भारत में 4 अगस्त को एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहा है। टाटा मोटर्स द्वारा साझा किए गए एक मीडिया आमंत्रण के अनुसार कंपनी 4 अगस्त को एक नया उत्पाद लॉन्च करने में है, टाटा HBX। हालांकि टाटा मोटर्स ने अभी तक इस नए प्रोडक्ट के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये बहुप्रतीक्षित HBX मिनी SUV का लॉन्च हो सकता है। कोड नेम HBX के नाम से जाने जाने वाली SUV टाटा हॉर्नबिल कंपनी लाइनअप की सबसे छोटी SUV होगी। यह 5-सीटर मॉडल टाटा की प्रमुख SUV हैरियर और सफारी से अपनी अधिकांश डिजाइन की प्रेरणा लेगी। टाटा की ये माइक्रो SUV कंपनी के इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज को सपोर्ट करेगी। इसका फ्रंट टाटा के सिग्नेचर ह्यूमैनिटी लाइन ग्रिल के साथ हैरियर पर दिखने वाले डिजाइन के समान होगा। ऑल्टो 2 हैचबैक के बाद हॉर्नबिल कंपनी लाइनअप में दूसरी मॉडल
भी है जिसे अल्फा प्लेटफॉर्म द्वारा रेखांकित किया जाएगा। टाटा HBX को 1.2 लीटर रेवेंट्रॉन पेट्रोल इंजन से लैस किया जा सकता है जो 85 BHP पावर और 113 Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इस इंजन को मानक के रूप में 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा जबकि एक विकल्प के रूप में 5 स्पीड AMT भी शामिल होगा। फिलहाल कीमत को लेकर कुछ माना जा सकता है कि इस कार की कीमत 4 से 5 लाख के बीच तय की जा सकती है। नंबर 4, आप जानते हैं नोकिया के नए 4G फोन के बारे में। नोकिया 110 4G को शुक्रवार को भारत में लॉन्च किया गया। ये ब्रांड लाइसेंसी HMD ग्लोबल की ओर से भारतीय बाजार में लेटेस्ट फीचर फोन है। इस फोन का ग्लोबल डेब्यू जून में किया गया था। इस फोन में ग्राहकों को 4G कनेक्टिविटी, HD वॉइस कॉलिंग, वायर्ड और वायरलेस FM रेडियो और 13 दिन तक स्टैंड बाय टाइम मिलेगा। नोकिया 110 4G की कीमत भारत में 2799 रुपए रखी गई है। इसे येलो, एक्वा और ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इसकी बिक्री 24 जुलाई से नोकिया की वेबसाइट और अमेज़न इंडिया पर शुरू कर दी गई है। अब जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस नए नोकिया फीचर फोन में 4G कनेक्टिविटी का सपोर्ट और HD वॉइस कॉलिंग सपोर्ट दिया गया है। इसमें 1.8 इंच QVGA यानी 120x160 पिक्सल कलर डिस्प्ले दिया गया है। ये सीरीज 30+ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इसमें 120 MB रैम और 48 MB इंटरनल स्टोरेज के साथ यूनिसॉक T107 प्रोसेसर दिया गया है। इसकी मेमोरी को कार्ड की मदद से 32 GB तक बढ़ाया भी जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें रियर में 0.8 MB QVGA कैमरा भी दिया गया है। इसकी बैटरी 1020 mAh की है। कंपनी के दावे के मुताबिक इसमें 13 दिन तक स्टैंड बाय टाइम, 16 घंटे म्यूजिक प्लेबैक और 5 घंटे का 4G टॉक टाइम मिलेगा। नोकिया के इस फोन में वीडियो प्लेयर, MP3 प्लेयर दिया गया है और इसमें 3-in-1 स्पीकर भी इंटीग्रेट किए गए हैं। इसमें आइकॉनिक स्नेक गेम और इंग्लिश विद ऑक्सफोर्ड जैसे ऐप भी दिए गए हैं। नोकिया 110 में नया UI और रीड आउट फीचर भी दिया गया है। इसमें बिल्ट इन टॉर्च और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB पोर्ट सपोर्ट दिया गया है। इस फीचर फोन में ड्यूल सिम का सपोर्ट भी दिया गया है। नंबर 5, अब जानते हैं एक खास चीज के बारे में। जी हाँ, इंडियन ऑयल अब एक खास तरीके का सिलेंडर लेकर आया है। अगर इस खास तरीके के सिलेंडर की बात करें तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि यह अन्य सिलेंडर से काफी अलग होने वाला है। इस सिलेंडर का नाम है एक्स्ट्रा तेज। अब जानते हैं कि इसमें क्या एक्स्ट्रा तेज है और किस तरह से यह अन्य सिलेंडर से अलग है। दिखने में यह अन्य सिलेंडर की तरह ही है लेकिन ये नीले रंग का है। इसमें ना सिर्फ जल्दी खाना बनता है बल्कि इसका इस्तेमाल करने पर 5% तक फ्यूल की बचत भी होती है। अब जानते हैं कि इसमें क्या क्या खास है और किस तरह से यह अन्य सिलेंडरों से अलग है। इंडियन ऑयल की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार यह सिलेंडर कमर्शियल ग्राहकों के लिए है और कैसे ग्राहकों के लिए फायदेमंद है आगे जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर। यह सिलेंडर कमर्शियल और इंडस्ट्री के इस्तेमाल के लिए है। ये घरेलू गैस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल घरेलू कुकिंग के लिए नहीं किया जा सकता है और इसे बड़े प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं कि इस सिलेंडर के क्या फायदे हैं। इस सिलेंडर की खास बात यह है कि इंडेन एक्स्ट्रा तेज की फ्लेम काफी तेज होती है यानी तेज प्रेशर से गैस छोड़ता है। साथ ही इसके इस्तेमाल से 5% तक LPG की बचत होती है। अगर इस सिलेंडर पर खाना पकाया जाए तो इसमें कुकिंग टाइम बचता है और इससे 14% तक कुकिंग टाइम कम लगता है। हालांकि इसमें प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए इसे घरेलू इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता है। अब जानते हैं कि कितने किलो का आता है ये सिलेंडर। अगर इंडियन एक्स्ट्रा सिलेंडर की बात करें तो ये 19 किलो, 47.5 किलो और 425 किलो की कैपेसिटी में मौजूद है। अब जानते हैं कि ये सिलेंडर कहाँ मिल रहे हैं। इस सिलेंडर को डिस्ट्रीब्यूटर से आसानी से खरीदा जा सकता है। इंडियन ऑयल की आधारिक वेबसाइट के अनुसार एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर को जल्द ही पूरे देश में बेचा जाएगा और अभी कुछ शहरों में ये उपलब्ध भी है। इसे कोई भी इंडियन के ग्राहक खरीद सकते हैं। अब जानते हैं कि इसकी कीमत में कितना अंतर होगा। इस एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर की प्राइस नॉर्मल नॉन डोमेस्टिक सिलेंडर के बराबर ही है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।